मैंने भी एजुकेशन में पार्टिसिपेट किया और मेरे को सौभाग्य मिला, मैं आर्किटेक्ट बना और इसका डिज़ाइन भी मैं किया सिकंदराबाद मार्केट मेमोरियल का। उस समय वैसी आर्थिक स्थिति तो नहीं थी मेरी बनाने की, किसी तरह से बैंक लोन वगैरह घर मॉर्गेज करके बनाया हमें, बड़ी मुश्किल से पैसे वगैरह फेरा। आज जो है बड़े मेरे को प्रतिष्ठा मिली, मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद। పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరిలో మొదలైన ఉద్యమం దానికి నాయకత్వం వహించింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్. 85 అఫిలియేటెడ్ కాలేజీలకు అది ఒకే సమన్వయ సంస్థగా ఉండేది. ఆ సంఘానికి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఒకప్పుడు ఉపాధ్యక్షులుగా ఉన్న కేఎం ఆరిఫుద్దీన్ గారు మాట్లాడతారు. మరిదశ ఉద్యమంలో కూడా మొదటి నుంచి 95-96 నుంచి ఆరిఫుద్దీన్ గారు మన వెంటనే ఉన్నారు. ఆరిఫుద్దీన్ గారు स्टेज पे बैठे हुए बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, 45 साल के बाद में हम फिर तेलंगाना और वो 69 के लोग और हमारे के एक्टिविस्ट लीडर्स को याद कर रहे हैं। डॉक्टर गोपाल किशन साहब उस वक्त हमारे एडवाइज़र थे। स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों ने निज़ाम कॉलेज में मीटिंग की, कांग्रेस का ग्रुप भी था और हम भी थे, हम हट गए थे यूनियन से। लेकिन उस वक्त सेफगार्ड हो या अलहदा तेलंगाना हो, ये बहस थी। बहरहाल हम तेलंगाना अलहदा तेलंगाना की बात उस वक्त की और वो स्प्लिट हो गए। फिर यूनिवर्सिटी में जाकर हमने ये तय किया कि स्ट्राइक डिक्लेयर की। बहरहाल ये लंबी तारीख है, लेकिन बात दरअसल ये है, जो मूवमेंट खुद ब खुद आगे बढ़ता गया। सिकंदराबाद में सूरी को हम 15-20 रुपए देकर भेजे और वो वहाँ पर तेलंगाना मूवमेंट शुरू किया। कुछ बहरहाल जो भी है हुआ, लेकिन चंद खास वाक़यात जो बता रहा हूँ मैं, कि जब हमारा पहला कन्वेंशन हुआ तो मुझे पैसा जो कलेक्शन हो रहा था, लोगों से अपील की गई थी, वो रेड्डी हॉस्टल भरा हुआ था, तो पैसा ऐसा जमा हुआ जैसा कि लोग बगैर सोचे समझे वो चादर में डाल रहे थे। और वेंकटराम रेड्डी साहब मरहूम ने कहा कि पैसे बंद कर लेकर जाओ, और बहरहाल मैं लेकर गया। फिर बाद में फिर मैं उनको वापस कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो मोमेंट को याद करता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि उस वक्त बच्चे ऐसा पीछे आते थे, हमारे एक कॉल पर अपनी जिंदगियाँ तक दे दी। और ऐसे बहुत सारे तारीखी वाक़यात है। उसके साथ साथ जो ख़ास बातें हुई, जैसा कि हम को जो गिरफ्तार किया गया, तो मैं सूरी और मदन मोहन साहब को पहली वक्त प्लेन में बैठने का मौका मिला, जो राजमंदिरी तक हम गए, यानी गन्नावरम तक गए। जब गन्नावरम से राजमंदिरी जा रहे थे हमारी मोटर में, तो मुकामी लोग हमको जूते बता रहे थे और ये कह रहे थे कि निज़ाम के कुत्ते जा रहे हैं। बहरहाल ये वाक़यात होते रहे और ये तहरीक इतनी आगे बढ़ी और हमको चन्ना रेड्डी साहब पर बहुत इत्मीनान रहा। लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चला कि चन्ना रेड्डी साहब इसको मर्ज कर रहे हैं, तो ये सुने तो हम तो इख्तलाफ किए। बी सत्यनारायण रेड्डी साहब जो बाद में गवर्नर बने, वो सूरी, मैं और रंगन्ना रंगारेड्डी वगैरह वगैरह, हम 5 लोग मिलकर पूरे तेलंगाना का टूर निकाले। पर इत्तेफाक से टूर निकाल कर हम मेदक पहुँचे तो वहाँ पर लोग हमको ऐसा घेर लिए और चर्च में ले जाकर खाना खिलवाए और बहुत खुशामद आमद कर रहे थे, तो पता चला कि वहाँ पे चन्ना रेड्डी साहब का बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। और वो ग्रुप ये समझा कि हम वो उनके खिलाफ, यो तो खिलाफ में ही हम निकले थे, लेकिन वो जो उनका कन्वेंशन है उसको सबोटाज करने के लिए आए हैं। बहरहाल हम तो बोले कि भाई हम 4-5 लोग हैं, क्या करेंगे क्या, लेकिन वो डर रहे थे। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, हमको खाना वगैरह खिलवाया, उसके बाद हम वहाँ से निकल गए।
इस तरह से कई ऐसे वाक़यात तेलंगाना तहरीक में रहे, हमको अंदाज़ा नहीं। खुद अपने पैसों से हम तेलंगाने में हिस्सा लेते थे, दोपहर में खाली वो समोसा और चाय खाकर गुजारते थे, और मालूम नहीं कितनी जाने गई, तेलंगाना बन गया। लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जब से तेलंगाना बना है और नई हुकूमत आई है, ये नई हुकूमत वाले पुराने तेलंगाने वालों का नाम सुनते ही पीछे हट जाते हैं। वो चाहते ही नहीं कि कोई बात करें, यहाँ तक कि आप उनको खत लिखिए कोई जवाब नहीं आएगा, ना केसीआर से आएगा ना किसी से आएगा। अब यहाँ एक बड़े रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं प्रोफेसर कोदंडा राम साहब, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि इन मसाइल को जितना हम जानते हैं, केसीआर साहब जब पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, हुए तो भी शायद स्कूल में ही होंगे, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, कि हमारी ज़िंदगी में हम तेलंगाने को देख लिए। अब राजमंद्री जेल में जो लोग थे स्टूडेंट्स में, हमारे चंद यहाँ बैठे हुए हैं, जंगम राव, वेंकट रेड्डी सूरी, अब सिर्फ छः या सात बच गए हैं, और सीनियर्स में सिर्फ छः बच गए हैं। बेचारे मानिक राव साहब भी बहुत सीरियस हैं। बहरहाल जो भी है, ये तो उम्रों के साथ साथ होते जाएगा। तो बहरहाल मेरी अदबन दरख्वास्त ये है कि चारे डॉक्टर गोपाल कृष्ण साहब को ये बड़ी फिक्र है कि जो लोग बचे कुचे हैं ये भी मुसीबत में ना मरे, और उनके मरने से पहले उनके लिए कोई प्रोटेक्शन हो। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, कोई इंडिविजुअल डॉक्टर गोपाल कृष्ण साहब भाई से डॉक्टर के मदद कर सकते हैं मेडिकली, लेकिन फाइनेंशियली तो कोई मदद नहीं करेगा, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो अहम बात है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तेलंगाना बन गया है, सिर्फ एक बेचारे महमूद अली साहब को एक नुमाइंदा मुसलमानों का बना दिए हैं। वो बेचारे हर जलसे में उनका वजूद है, हम बड़ा उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तेलंगाने को यहाँ तक महदूद ना किया जाए, अगर तेलंगाने को तरक्की करना है तो मुसलमान कई तवक्कात रखते हैं। मैं कोदंडा राम साहब से कहता हूँ कि आप ज़रा दिलचस्पी लें कि ऐसा नहीं है कि 69 में भी मुसलमानों ने काफ़ी हिस्सा लिया, और फिर हालिया जो एजिटेशन चला है 14 साल 13 साल, उसमें भी मुसलमानों ने काफ़ी हिस्सा लिया। उनका जो हक़ है उनको हक़ दिलाने की कोशिश करें, ये एक जमहूरी तकाजे हैं। आप अगर उससे इनकार करेंगे, उसको टालम टोली करेंगे, खाली लॉलीपॉप दे देंगे, सिर्फ 12% की बात करते रहेंगे, तो मसले का हल नहीं होगा। इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए और अमली इकदाम गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो फिर समझिए कि आपके पास खुद ब खुद ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसा कि मुझे अफसोस है, मैं देख रहा हूँ कि पहली गवर्नमेंट में अब ये ऐसा मालूम होता था कि पहले कुछ ना कुछ असर चल जाता था, अब तो कहीं किसी का असर नहीं होता, बल्कि रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि सेक्रेटरीट में तक नहीं आने दे रहे। तो अब बताइए कि अब क्या हमारा तेलंगाना बना है? ऐसा नहीं है कि 8-10 महीने में हम इसके का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम तौहो करते हैं कि कुछ इसको स्कीम लाइन किया जाए, और अखिलियती नुमाइंदों को कैबिनेट में, उसके अलावा जो रेस्पॉन्सिबल पोजिशन है उसमें दिए जाएँ। अगर वो इलेक्ट नहीं होते हैं, कुछ है हालात ऐसे, तो उनको MLCs वगैरह बनाया जाए, राज्यसभा में भिजाया जाए। अगर KCR साहब ये काम नहीं करेंगे, यूँ तो उनकी रिपोर्टिंग होगी इसकी, CID भी मौजूद होगी। उनसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम काफ़ी सीनियर हो गए हैं, अब हम 70 में हूँ मैं, मेरे साथियाँ भी सब यही लगभग उम्र के हैं। तो बहरहाल सवाल ये है कि तेलंगाना सबका है और सबके लिए है, लेकिन ऐसा है कि अमली इकदाम की ज़रूरत है। अब तेलंगाना के बहुत सारे खूबियाँ भी हैं, और तेलंगाना के जो वाजवी बातें हैं उसमें दखल देने की बहुत ज़रूरत है, और ये सीनियर लोगों से पूछा जाए। कोदंडा राम साहब एक सीनियर और बड़े संजीदा प्रोफेसर हैं, उनसे गुफ्तगू करने से बड़ी खुशी होती है, और मैं समझता हूँ कि वो इन जनरल केसेस KCR से डिस्कस करें इस इशू पर। मालूम नहीं उनकी भी पहुंच हो रही है नहीं हो रही है, ये खुद एक शक की बात पैदा हो गई। और हामिद मोहम्मद खान साहब की तेलंगाना में मुसलमानों की बड़ी नुमाइंदगी उन्होंने की है, मैं बड़ी दिल की गहराइयों से उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। निज़ाम कॉलेज ने में उन्होंने जो जलसा मुसलमानों का किया, यकीन ही एक काबिल तारीफ बात रही है।
क्योंकि वो उनके पीछे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उनमें बड़ी सलाहियत है, और मुझे वो 69 के दिन भी याद आ गए। लेकिन सवाल ये है कि वो तनकीद को भी अच्छे नज़र से, अच्छी जहन से सोचें ताकि उनके ही मसाइल हल हो सकेंगे। हुकूमत चलाना कोई मामूली बात तो नहीं है, लेकिन आवाम के तौखात बहुत होते हैं, उनके मसाइल को हल करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो इदारे हैं, जैसा कि हमारे भी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह वगैरह हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस, हम देख रहे हैं कि कुछ अजीब सी सूरत हाल केसीआर साहब पैदा करके रखे हैं। एक तरफ तो एक ही, चूँकि महमूद अली साहब चले गए, कहता था उनके सामने कि एक ही खलम से उन्होंने कहा कि सब चोर डाकू हैं सिवाय पॉलिटिशियंस के। तो बहरहाल इस तरीके से एक तालीमी एक मसला पैदा हो गया है कि बच्चे भी सोचने लग गए हैं, और इंस्टीट्यूशन भी, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं बहुत जेन्यून हैं जो मेरिट पर चल रहे हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। तो ऐसे संजीदा मसाइल है कि या तो हुकूमत को ऐसे नुमाइंदे को रखे जिससे आसानी से लोगों के कॉन्टैक्ट डेवलप हों और मसाइल हल हो सकें। बहरहाल तेलंगाना तहरीक एक तारीखी तहरीक रही। खैर, महमूद अली साहब ने तस्लीम किया कि 69 के तुफैल में ही आज तेलंगाना बन सका, ये बिल्कुल हकीकत है। इसलिए कि आज़ादी की तहरीक कब शुरू हुई और आखिर में 100-150 साल लगे जी हिंदुस्तान आज़ाद होने के, इसलिए तेलंगाना को भी चंद लोगों ने धोखा दिया, लेकिन उसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि तेलंगाना आज बनना था आज बन गया। अब हम नए तौफात रखते हैं। आप बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग सब यहाँ जमा हैं, और आज जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, जैसा रघुवीर राव साहब, प्रताप किशोर साहब वगैरह वगैरह, पद्मना बंसा, ये बड़े ऐसे शख्सियतें थी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको हम याद करके अफसोस करते हैं कि हमने इनके साथ कुछ नहीं कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।